हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवंथ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो के चैप्टर सिक्स रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारा आंसर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, जहां से रक्त बह रहा हो वहां साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। सेकंड है, चोट के स्थान पर दबाव देना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, रक्त का बहाव न रुकने पर डॉक्टर से शीघ्र ही संपर्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। आंसर है, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति अर्थात अलग अलग तरह की वस्तुएं। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो इसमें अनेक प्रकार के कण बहुत अधिक संख्या में दिखाई देंगे, जिनमें कुछ लाल, कुछ सफेद तथा कुछ रंगहीन कण होते हैं। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो आंसर है, एनीमिया। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति द्वारा उचित आहार ग्रहण न करने पर रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित एवं पौष्टिक भोजन खाना चाहिए जिसमें हरी सब्जी, दूध, फल, अंडा आदि होते हैं। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिसके कारण हम एनीमिया रोग से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आंसर देखिए, सबसे पहले कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, गंदा पानी पीने और दूषित भोजन खाने से। गंदा पानी पीने और दूषित भोजन खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट के कीड़ों से निम्नलिखित उपायों द्वारा बचा जा सकता है, और उसमें फर्स्ट क्या है, स्वच्छ जल एवं सफाई से बना गया भोजन ग्रहण करना चाहिए। सेकंड है, भोजन खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। थर्ड है, पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेना चाहिए। फोर्थ है, नंगे पाव नहीं घूमना चाहिए। और लास्ट है, साफ पानी पीना चाहिए। तो इन पांचों उपायों के द्वारा पेट में कीड़े होने से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो हमारा आंसर होगा, रक्त के सफेद कण शरीर में बीमारियां पैदा करने वाले रोगाणुओं से लड़ते हैं। सफेद कण इन्हें किनको, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। ये कण हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो आंसर देखिए बेटा, रक्तदान हमें ब्लड बैंक में ही करना चाहिए क्योंकि यहाँ ब्लड सुरक्षित रहता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने के लिए यहाँ से रक्त प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रत्येक रक्त समूह को सुरक्षित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। इससे मरीज की जान बच सकती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। तो हमारा आंसर होगा, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल
कण पहुंच जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, आई होप आपको क्लियर हो गए हों। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।